नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कवर्धा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा के चुनावी जनसैलाब रणवीरपुर में आयोजित विजय संकल्प रैली में हुए शामिल। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को एटीएम मशीन बनाकर लूटने का काम किया है, आज तक कई योजनाओं पर घोटाला किया, चावल घोटाला, कोयला घोटाला किया और तो और गाय के गोबर तक को घोटाले करने को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, शराबबंदी का वादा करके महिला बेटियों के ठगने का काम किया है। अमित शाह जी ने बीजेपी पंडरिया प्रत्याशी भावना बोहरा, साझा प्रत्याशी ईश्वर साहू जी के समर्थन में वोट देने की जनता से अपील की। देखिए जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़ तोरण कुमार की खास रिपोर्ट। ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के खजाने को एटीएम बनाकर ये दिल्ली के भाई बहन को चरणों में डालने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम। संबोधन कर रही थी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने बड़ा करारा जवाब दिया था भूपेश बघेल को। उन्होंने 5 साल में कर्जा माफी के वादा करके और धान 2500 रुपये के रेट बता करके केवल छत्तीसगढ़ के हमारे जनता को लाश दिया है, लाश भुवनेश्वर साहिब का लाश दिया है हमें। ये हमें बहुत दुख है और इसके बदले में पूरा जम्मू हमारे छत्तीसगढ़ के किसान नौजवान बदलेगा और बदले निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाले में अवैया 7 तारीख का एक तरफा मतदान पड़ेगा। अच्छा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, ये मेरा वादा है। अब मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में बहुत पता लगा करके देखा हूँ कि अब नहीं सही वो बदल के रही वो, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है। मैं किसान हूँ, मैं तो किसी पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन ये न्याय का लड़ाई ये हमारे छत्तीसगढ़ में हो है और ये बहुत ही अच्छा सुहावन है और कट्टरता के साथ इस बार टक्कर के साथ लड़ाई होगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जाएगा और सरकार बनेगा। अच्छा, तुम्हारे किसान पर कुछ योजना लागू की घोषणा पत्र जारी करी नहीं करी भी है? अभी नहीं कर रहे हैं पर आ जाएगा 1-2 दिन में। अच्छा, एक तरफ जो कांग्रेस सरकार तो बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी कर, कांग्रेस सरकार खोखला वादा करता है, उसके वादा में कोई दम नहीं रहता है। अच्छा, कारण ये है झांसा दे करके कत्ल कराता है। अच्छा, हाँ, बहू बेटी में इंजाम लगाता है। अब गोबर में एक तरफा जैसे अपने आदमी को वो अध्यक्ष बनाता है, अपने आदमी को सदस्य बनाता है और एक तरफा वो काम करता है और सबको लेकर के नहीं चलता है। ये तो हमारा देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही लेकर के वो उसके भावना बने रहता है, उसी में जनता लोग प्रभावित होता है और सबके साथ में पूरा एक तरफा न्याय होत रही से तेन सब पूरा झल्लाग है। एकर सेती भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से सरकार बनाएगा और पूरा जनता बुखलाहट में है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा चुनाव से आगे भारी बहुमत से विजय बनाएगा, ये मेरा वादा है और मैं इस बात को यही तक बताता हूँ। धन्यवाद।